कोविड आ गया है रहने के लिए हमारे साथ, कोविड ख़त्म नहीं होगा, हॉस्पिटलाइजेशन की तादाद नहीं बढ़ती, हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता ऐसी नौबत आ गई कि हमारे अस्पताल के बिस्तर भरने लगे और बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे और वेंटिलेटर्स भी बढ़ने लगे, तो हमें फिर लॉकडाउन करना मजबूरन करना पड़ेगा। मैडम, कोई ऐसी स्टडी, कोई ऐसी अजम्पशंस हैं जिससे ये मालूम हो सके कि कोविड की छठी वेरिएंट पे एंड हो जाएगा कोविड, या सातवीं आठवीं वेरिएंट जो? इस पर ये बिल्कुल कोई नहीं कह सकता, ना बड़े से बड़े साइंटिस्ट आपको नहीं बता सकते कि किस वेरियंट पर जाके ये एंडेमिक ख़त्म नहीं होगा। ख़त्म ये मैं बिल्कुल वाजे कर दूँ कि कोविड आ गया है रहने के लिए हमारे साथ, कोविड ख़त्म नहीं होगा। कोविड ये हो सकता है क्योंकि अभी एपिडेमिक फॉर्म में अगर 100 से ज़्यादा केसेस होते हैं तो हम उसे एपिडेमिक कहते हैं, अगर 100 से कम केसेस होते हैं तो हम उसे एंडेमिक कहते हैं। तो इस वजह से मैं ये वाजे तौर पे कह सकती हूँ कि ये एंडेमिक फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। कब होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि आखिरकार, जैसे डेंगू एकदम बहुत ज़्यादा फैल जाता है फिर वो कुछ चंद केसेस होते हैं, तो इस तरह से ये होगा कि ये रहेगा कम्युनिटी में, चंद केसेस रहेंगे हमेशा कम्युनिटी में, और ये जो है हमें बहरहाल इसके ऊपर एहतियात करनी पड़ेगी और ये एहतियात कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी।